किस्सा है वर्ष 1920 का। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत आए 5 साल बीत चुके थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन वी राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित होने जा रहा था। नागपुर में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान होना था, क्योंकि उस समय तक नागपुर जो था मध्य प्रदेश की ही राजधानी मानो। गांधी जी के कहने पर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से पंडित दुर्गा शंकर मेहता, प्रभुराम पंडित प्रभुराम, रविशंकर शुक्ल वगैरह अपनी वकालत छोड़कर नागपुर अधिवेशन में पहुंचे। दोस्तों, वैसे तो नागपुर में 1920 में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, लेकिन मैं उससे पहले वाले अधिवेशन की बात कर रहा हूँ जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को करने हेतु प्रमुखता के साथ आगे करना था। यह अधिवेशन हुआ, अगले ही साल महात्मा गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पधारे और मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने एक भाषण दिया जिसके कारण सिवनी की जनता में देशभक्ति के लिए एक शिंगारी जल उठी और गांधी जी ने उस समय पर दुर्गा शंकर मेहता के बंगले पर निवास किया था, रुके थे, और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर हरिजनों के लिए छुआछूत के भेदभाव को ख़त्म करने का प्रण लिया। हुआ इसका असर ये कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले जो भी आंदोलन थे वो सक्रियता के साथ, भागीदारी के साथ जबलपुर सिवनी जैसे जिलों में चिंगारी पकड़ते रहे। वर्ष आया 1930, गांधी जी ने किया नमक सत्याग्रह जिसे कहते हैं दांडी मार्च, उसका प्रभाव देखने को मिला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। और सिवनी में 1930 में पंडित दुर्गा शंकर मेहता ने, सिवनी में एक स्थान है गांधी चौक, वहां पर नमक बनाकर उसे तोड़कर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसी क्रम में आता है टूरिया जंगल सत्याग्रह है, तो आप कह सकते हैं सिवनी जिले की सबसे नीचे की तहसील कुरई, जो कि महाराष्ट्र से लगती है, कुरई तहसील के केंद्र से 12 किलोमीटर दूर ओगा लोहार नामक एक व्यक्ति ने जंगल सत्याग्रह अर्थात टूरिया सत्याग्रह दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ। हुआ कुछ यूं था मेरे दोस्त कि जब भी कोई आंदोलन भड़कता था तो अंग्रेज सिपाही दौड़कर जंगल की ओर भाग जाते थे और वहां पर शिकार करते थे और जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को परेशान करते थे। जब इनका विरोध किया गया तो सीमन नामक सिवनी के डिप्टी जो कमिश्नर थे उसने एक वाक्य कहा, टीच हिम अ लेसन, इन्हें एक पाठ पढ़ाओ, और इस आदेश पर पुलिस ने गोली चला दी। 3 महिला और 1 पुरुष सहित 4 लोग मौके पर शहीद हो गए और छिड़ी फिर एक सत्याग्रह की जंग। दोस्तों, मैंने जिस कहानी के साथ शुरुआत की है, ये है मध्य प्रदेश का सिवनी जिला। जय हिंद, मैं हूँ रजत सिंह शेखावत, स्वागत करता हूँ आपका सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश जिलेवार अध्ययन में सिवनी जिला जो आता है जबलपुर संभाग में। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त मध्य प्रदेश के नक्शे के साथ। आपको समझाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के इस नक्शे में मैंने आज बनाया है यहाँ पर एक छोटा सा सिवनी का जिला। सिवनी जिले को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिवनी जिला एक सीमावर्ती जिला है, अर्थात सिवनी जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। सिवनी जिले की सीमा ये सिवनी जिला है, और देखेंगे आप सिवनी के इस ओर पर जहाँ ये मार्कर रखा हुआ है बालाघाट जिला है, इस ओर पर आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा जिला है, और ये दोनों भी महाराष्ट्र से लगे हैं और सिवनी की सीमा महाराष्ट्र जिले से लगती है, महाराष्ट्र राज्य से लगती है, सॉरी जिले से नहीं, महाराष्ट्र राज्य से लगती है। सिवनी जिले की बात करते हैं तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था नरसिंहपुर जिला, और उसमें भी हमने पढ़ा था कि सतपुड़ा श्रेणी। तो ये देखिए, ये जो दक्षिण की ओर जाती है ये नीचे नीचे सतपुड़ा श्रेणी है, तो हम कह सकते हैं कि सिवनी जिला भी सतपुड़ा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाँ मेरे दोस्त, हम पढ़ रहे हैं सिवनी जिला, और सिवनी जिला आता है सतपुड़ा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत, और यह महाराष्ट्र राज्य की सीमा से टच होता है। कौन सा जिला? सिवनी जिला। अब देखिए इधर, यहाँ पर स्पष्ट मैंने लिख दिया है कि ये जो है सिवनी जिला, इसका है ये नक्शा, और सिवनी जिले में आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तहसीलों वाला सिवनी जिला है,
कौन कौन सी तहसीलें हैं? एक है लखनादौन, एक है हसौर, एक है धनोरा, एक है छपारा, एक है सिवनी, एक है केवलारी, एक है पुरई और एक है बरघाट। इस तरह से 8 तहसीलों वाला सिवनी जिला। और देखिए इसकी खासियत, सबसे प्रमुख इस सिवनी जिले में ही है मध्य प्रदेश का प्रादेशिक वन स्कूल। जितना आप नोट करते जाएंगे उतना आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं लेकर आया हूँ। कौन सा जिला? सिवनी जिला, और यही है प्रादेशिक वन स्कूल। इस सिवनी जिले का नक्शा देखते हैं तो एक प्रश्न बनता है मेरे दोस्त की, कौन सा जिला, फिर से सुनना, मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसका आकार समुद्री घोड़े की तरह है? सिवनी जिला, सिवनी जिले का नक्शा देखोगे तो समुद्री घोड़े की तरह दिखता है, पर मैंने लिख दिया है समुद्री घोड़े जैसी आकृति। प्रश्न 2-3 आते हैं, देखना। समुद्री घोड़े जैसी आकृति किस जिले की है? याद रखिएगा सिवनी जिले की है। आपसे पूछा जाता है उड़ती हुई चिड़िया जैसी आकृति किस जिले की है, तो वो भी हम पढ़ेंगे बालाघाट जिले में, अभी इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं। और पूछा जाता है कि जो घोड़े की नाल है, घोड़े की जो टाप आता है ना, पैर जो होता है उसको, घोड़े की नाल के आकार का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर छिंदवाड़ा का पातालकोट जहाँ भारिया जनजाति निवास करती है उसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। तो घोड़े की नाल जैसा आकार, उड़ती चिड़िया जैसा आकार और समुद्री घोड़े जैसा आकार से भी प्रश्न बनते हैं, तो समुद्री घोड़े जैसा आकार सिवनी जिले का है। याद रखें जो आपका लखनादौन है, सिवनी जिले की एक तहसील है लखनादौन। इस लखनादौन तहसील को काली मूछ चावल, चावल का एक टाइप है, प्रकार है, काली मूछ चावल और मावा बाटी, काली मूछ चावल और मावा बाटी के लिए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन को जाना जाता है, प्रसिद्ध है काली मूछ चावल और मावा बाटी के लिए। अगली बात देखें तो महुआ उत्पादन में, दोस्त हम पढ़ते आए हैं कोई चावल उत्पादन में प्रथम होता है, कोई अन्य फसलों में प्रथम होता है, सिवनी जिला महुआ उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम है। महुआ उत्पादन, महुआ जो होता है ना जिससे शराब भी बनाई जाती है, महुआ उत्पादन में सिवनी जिला प्रथम है। सिवनी जिले में खनिज के तौर पर आप शुद्ध चांदी प्राप्त कर सकते हैं, तो शुद्ध चांदी वाला जिला सिवनी जिला, महुआ उत्पादन में प्रथम सिवनी जिला, मावा बाटी सिवनी जिला, काली मूछ चावल सिवनी जिला, प्रादेशिक वन स्कूल सिवनी में, सतपुड़ा घाटी क्षेत्र में आता है सिवनी। और यहाँ पर देखिए समुद्री घोड़े जैसी आकृति है, किसकी? सिवनी जिले की। कैसी आकृति? समुद्री घोड़े जैसी। काली मूछ चावल से आप यहीं पर याद रखिएगा, खुशबूदार, खुशबूदार जीरा शंकर चावल, ये जीरा शंकर चावल, ये चावल की एक प्रजाति है, नाम है, और ये पाया जाता है आपका केवलारी, आपका केवलारी, बरघाट केवलारी में जीरा शंकर चावल पाया जाता है। काली मूछ चावल, जीरा शंकर चावल सिवनी में प्रमुखता से पाए जाते हैं। दोस्त मेरे, ये जो सिवनी जिला है इसका नाम ही यहाँ पर पाए जाने वाली एक पेड़ की प्रजाति में छुपा है, और ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, सियोना वृक्ष, सियोना वृक्ष, फिर से सुनना, सिवनी में जो स लिखा है उसी से बना है सियोना, सियोना वृक्ष की अधिकता के कारण, सियोना वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण सिवनी जिले का नाम सिवनी रखा गया है। तो याद रखना सिवनी जिले का नाम किस पेड़ के नाम पर रखा गया है? सियोना वृक्ष के नाम पर। और ये जो सियोना वृक्ष है ना मेरे दोस्त, ये सियोना वृक्ष की लकड़ी सबसे प्रमुख रूप से किस काम में आती है, तो इस बात को आप नोट कर ले, जो ढोलक आता है ना, ढोलक, ढोलक बजाने की जो आती है वो ढोलक वाद्यंत्र के निर्माण में, ढोलक बनाने में सबसे ज्यादा सियोना वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। ये सर्वाधिक वृक्ष सिवनी में मिलते हैं और सियोना के नाम पर ही मध्य प्रदेश का सिवनी जिला बना है। आइए मेरे मित्र और देखते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ, वेरी आईएमपी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आगे आगे पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश का हृदय किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे किसे कहते हैं, उसी क्रम में पहले आप पढ़िए मध्य प्रदेश का लखनऊ, और मध्य प्रदेश का लखनऊ है सिवनी। बहुत सारे लोग होशंगाबाद जिले से हैं वो सिवनी मालवा को ना समझे, सिवनी मालवा एक तहसील है और सिवनी अपने आप में एक जिला है। सिवनी जिला मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाता है, ये आपने बहुत पढ़ा है, पर दूसरा कारण सुनिए, सिवनी जिले का मध्य प्रदेश का लखनऊ कहलाने का कारण है सिवनी में मिलने वाला, सिवनी में पाया जाने वाला इरी, इरी एक किस्म होती है इरी, और ये किस्म होती है रेशम की, इरी क्वालिटी का, इरी किस्म का, इरी प्रजाति का रेशम सर्वाधिक सिवनी जिले में पाया जाता है। तो उस इरी रेशम के कारण मिलता है सिवनी जिले को मध्य प्रदेश के लखनऊ का टैग।
याद रखिएगा मेरे भाई, रेशम उत्पादन में इरी रेशम की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में रेशम मंडी, मध्य प्रदेश की रेशम मंडी होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में है। रेशम मंडी पचमढ़ी में है। इरी रेशम का उत्पादन सर्वाधिक अच्छी किस्म का रेशा होता है वो होता है मध्य प्रदेश के सिवनी में। इस कारण से सिवनी को कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। इसका गठन मेरे दोस्त मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही हो चुका था, अर्थात तारीख तो आपको याद होगी 1 नवंबर 1956 को। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के लखनऊ अर्थात सिवनी को ही हम कह सकते हैं मोगली लैंड। उसका कारण है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ और अच्छे से समझाऊंगा। सिवनी जिले में नदियों को याद कीजिए, आप नदियों को याद कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी नदियाँ, जब आप नदी का टॉपिक पढ़ते हैं तब छोटी छोटी नदियाँ नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब आप जिलेवार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम छोटी से छोटी नदियाँ भी याद रखेंगे। जैसे नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नदी आती है पेंच, पेंच नदी। पेंच नदी अभी हम पढ़ने वाले पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली है। गार नदी, टीमर नदी, शेर नदी, पेच, गार, टीमर, शेर, शेर ये जो है नर्मदा की सहायक नदी है, और बेनगंगा नदी। अंडरलाइन कर लो इस नदी पर, बेनगंगा नदी पर अंडरलाइन कर लो, नोट करने के साथ अंडरलाइन करो बेनगंगा नदी पर, क्योंकि मैं दो तीन आपको पॉइंट बोल रहा हूँ। बेनगंगा नदी सिवनी जिले से निकलती है और मुंडारा नामक स्थान है। फिर से नोट कीजिए, बेनगंगा नदी सिवनी जिले के मुंडारा नामक स्थान से निकलती है, और जिस जगह से निकलती है वहाँ पर एक कुंड टाइप है, ताल, तालाब टाइप, जिसे कहते हैं रजोला ताल। तो बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से रजोला ताल से मुंडारा से निकलती है, और यही वो बेनगंगा नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी, इधर ही कह देता है ताप्ती नदी। उत्तर की ओर बहने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं आपकी, केन है, सोन है, पार्वती है, शिप्रा है, और चंबल है, सिंध है, लेकिन एकमात्र नदी आप देखेंगे तो ये है आपकी कौन सी, बेनगंगा नदी जो दक्षिण की ओर बहती है। और बेनगंगा नदी और वर्धन शिखर बैतूल से निकलने वाली वर्धा नदी, ये दोनों नदियाँ आपस में आकर महाराष्ट्र के जगह पर दोनों मिल जाती है, बेनगंगा और वर्धा नदी मिल जाती है, और जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती है वो संगम स्थान जो कहलाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। आगे और पढ़ेंगे हम, जब बैतूल को पढ़ेंगे तब और पढ़ाऊंगा। अब देखिएगा इधर, ये जो बेनगंगा नदी है, इस बेनगंगा नदी पर सबसे प्रमुख पॉइंट याद रखे भीमगढ़, या फिर इसे याद रखे भीमगढ़, जो कि छपारा नामक स्थान है, भीमगढ़ या संजय सरोवर बांध। कौन सा बांध दोस्तों, अंडरलाइन करना, भीमगढ़ या संजय सरोवर बांध बेनगंगा नदी पर है, सिवनी में है। और इसकी खासियत याद रखना मित्र, ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, जिसे आप कीचड़ बांध भी कह सकते हैं, मड डैम भी कह सकते हैं। याद रहेगा भीमगढ़ बांध, जिसे कहते हैं संजय सरोवर बांध, नदी बेनगंगा, जिला सिवनी, बांध है जो खासियत एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध या मिट्टी का बांध है भीमगढ़ बांध। ये आपको एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध मिलेगा। ऊपर देखते हैं अपर तिवारा परियोजना, अपर तिवारा नहर परियोजना, ये मेरे दोस्त अभी काम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें आप करंट की घटना ढूंढ सकते हैं। कौन सी, जिस तरह से मैंने कल बताया था आपको चिंकी सिंचाई परियोजना, मैंने बताया था कहां पर है, नरसिंहपुर में, और उसी तरह से याद रखिएगा अपर तिवारा नहर परियोजना, अपर तिवारा नहर परियोजना मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है। खनिज में बात करते हैं तो संगमरमर पाया जाता है, मैं आपको जबलपुर से ही समझाते आ रहा हूँ कि रंगों का भी विशेष ध्यान रखें, भेड़ा घाट में सफेद रंग का संगमरमर पाया जाता है, सिवनी जिले में हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। हरे रंग का संगमरमर कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश के सिवनी में हरे रंग का संगमरमर मिलता है। इधर एक पॉइंट छूट गया है, झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, फिर से सुनिएगा झाबुआ थर्मल पावर प्लांट। आप सोच रहे होंगे सर झाबुआ, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं, जिस तरह से भोपाली मेला भोपाल में नहीं लगता है बैतूल में लगता है, जिस तरह से भोपाल शुगर मिल भोपाल में नहीं है सीहोर में है, जिस तरह से गजरा राजे सिंधिया के नाम से जो कंपनी है वो ग्वालियर में नहीं बल्कि देवास में है, ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्त झाबुआ का नाम का जो थर्मल पावर प्लांट है वो झाबुआ में नहीं बल्कि सिवनी में है। इसका झाबुआ थर्मल पावर प्लांट का संचालन भेल BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड
भोपाल के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी और विद्युत क्षमता इसकी 600 मेगावाट है। ये पूरे करंट से अपडेट आप समझ लो इसे। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट जो है उसकी स्थापना झाबुआ में नहीं बल्कि सिवनी में है। इसे भेल के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है और 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, ये वही कहानी जहां से मैंने शुरू किया था, अब आपको बिल्कुल आसान हो गया। कौन दुर्गा शंकर मेहता? दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह प्रारंभ किया था। जो दुर्गा शंकर मेहता हैं, उनका नाम मैंने आपको बताया, उन्होंने क्या किया था, गांधी चौक कहाँ पर है, सिवनी में नमक सत्याग्रह किया था। वैसे तो नमक सत्याग्रह का प्रारंभ सबसे पहले प्रदेश में जबलपुर में हो चुका था। ध्यान से सुनना, नमक सत्याग्रह का प्रारंभ जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को हो चुका था। हम पढ़ रहे हैं सिवनी जिला, तो सिवनी जिले की बात करें तो गांधी चौक पर दुर्गा शंकर मेहता ने, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 1920 में ये लोग गए थे, समझ में आ रहा है ना, और अगले साल गांधी जी सिवनी में आए थे और वहीं जहाँ से भाषण दिया था गांधी जी ने मार्च 1921 में, वही जगह सिवनी में गांधी चौक कहलाती है। टूरिया जंगल सत्याग्रह, अभी हमने बात की है टूरिया जंगल सत्याग्रह, और जब आपको मैंने बताया कि टूरिया जंगल सत्याग्रह में गोली चलाई गई थी, तो याद रखिएगा जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तभी टूरिया सत्याग्रह को याद किया गया था और स्मारक भी बनाया गया था। तो याद रखना, टूरिया सत्याग्रह में, टूरिया जंगल में भी सत्याग्रह को स्मारक बना हुआ है। और बिरजू भोई, जब 3 महिला और 1 पुरुष गोली लगने से शहीद हुए थे, उसमें एक था बिरजू भोई, और ये घटना है 1930 की। और टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता ने। किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने। राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, राजीव गांधी जी के नाम पर। राजीव गांधी जी, खासियत याद रखना, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और यहीं से याद रखना देश के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। राजीव गांधी के नाम पर सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न, ये देश का सबसे बड़ा खेल रत्न है। और वहीं आप मोरारजी देसाई के नाम पर याद रखना, मोरारजी देसाई एकमात्र हिंदुस्तानी हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च रत्न भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च रत्न निशान पाकिस्तान दोनों मिला है। याद रखेंगे, ये मैंने आपको सामान्य ज्ञान की विविध की बात कही है। सहकारी क्षेत्र का, मेरी बात को अगर ध्यान नहीं दिया तो गलती करके आओगे, सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, आप अगर याद रख रहे हैं उज्जैन तो वो अलग है, समझ में आ रहा है, उज्जैन जो है वो अलग है। सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना ये है सिवनी में। और याद रखना, यहीं पर एक प्रश्न और, सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना सिवनी में, और सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना भी सिवनी में है, सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना भी सिवनी में है। इधर देखिए मेले, तो हम ये पढ़ तो चुके हैं फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, डायरेक्ट यहीं से देख रहे हैं। सिवनी जिले में मेले लगते हैं, डोंगरदेव का मेला, हिड़के बिर्रे का मेला और मठ घोघरा का मेला। मैंने जब मेला पढ़ाया था तब आपको मैंने घबराया था, बताया था कि घबराने के ऊपर से ट्रिक बनाई थी कि मठ घोघरा मतलब कि मत घबरा, सिवनी सेव नहीं हूँ। 15 दिनों के लिए आयोजित होता है, याद रखना। कल हमने पढ़ा था बरमान का मेला, वो आयोजित होता है 13 दिन, और ये है मठ घोघरा का मेला, ये आयोजित होता है मेरे दोस्त 15 दिन तक, ठीक है। नमिता चंदेल, ये नाम लिखा हुआ है नमिता चंदेल, नमिता चंदेल को कर लो अंडरलाइन, उसका एक कारण सुनो। नमिता चंदेल ने वर्ष 2018-2019 में बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते, और नमिता चंदेल ये मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ है और इनका संबंध कयाकिंग केनोइंग से है। कयाकिंग केनोइंग आपने मतलब प्रतियोगिता का नाम सुना होगा, नाव वगैरह जो चलती है पानी में, नाव से संबंधित। नमिता चंदेल नाम याद रखिएगा, नमिता चंदेल कयाकिंग केनोइंग से संबंधित, और ये खिलाड़ी है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की। मध्य प्रदेश के सिवनी को ही कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ, इसी को कहते हैं मोगली लैंड। दुर्गा शंकर मेहता का संबंध सिवनी से है, नमिता चंदेल का संबंध सिवनी से है, टूरिया सत्याग्रह का संबंध सिवनी से है, और याद रखिएगा महुआ उत्पादन में प्रथम सिवनी आता है, शुद्ध चांदी मिलती है, काली मूछ चावल मिलता है, और यहीं पर आपको खुशबूदार जीरा शंकर चावल भी प्राप्त होता है। लखनादौन सिवनी की बात करोगे तो यहाँ पर प्रादेशिक वन स्कूल,
प्रदेश का प्रादेशिक प्रादेशिक वन स्कूल, याद रखना प्रदेश का वन स्कूल लखनादौन सिवनी में है। कहाँ पर है? लखनादौन सिवनी में है। सिवनी जिले की नक्शे की आकृति समुद्री घोड़े की तरह है और सिवनी जिले का स्थान मध्य प्रदेश के नक्शे में सतपुड़ा क्षेत्र में आता है, सतपुड़ा घाटी में। सियोना वृक्ष, ये लिखा हुआ है, सियोना वृक्ष की अधिकता के कारण, सियोना वृक्ष की अधिकता के कारण सिवनी जिले का नाम सिवनी पड़ा है। और सियोना वृक्ष की लकड़ी काम में आती है ढोलक निर्माण के, ढोलक बनाने के लिए। ये जो जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, भीमगढ़ संजय सरोवर बांध और झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, बेनगंगा नदी जिसे कहते हैं सिवनी जिले की जीवन रेखा, इन सभी का आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट और पढ़ते हैं इससे आगे का अगली स्लाइड में। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं सिवनी जिले का वो हिस्सा या वो प्रश्न उत्तर वाला क्षेत्र जहां से ज्यादातर पूछा जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, नाम सुना होगा आपने? हाँ बिल्कुल सही, पेंच नेशनल पार्क। आप सोच रहे होंगे सर छिंदवाड़ा में हमने सुना, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि पेंच नेशनल पार्क का विस्तृत क्षेत्र जो है वो सिवनी एवं छिंदवाड़ा दोनों जिले आते हैं। फिर से सुनिएगा, पेंच नेशनल पार्क सिवनी एवं छिंदवाड़ा दोनों जिलों में विस्तार होता है। और देखिएगा यहाँ पर लिखा है सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में इसका कुल क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर, 293 स्क्वायर किलोमीटर। मैं जिलेवार अध्ययन में सारे नेशनल पार्क कवर करवा दूंगा, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारे आ जाएंगे इसमें। सिवनी एवं छिंदवाड़ा में है पेंच नेशनल पार्क, इस साइड में मैंने पूरी खास खास बातें लिखी है। अभ्यारण अर्थात ये पेंच नेशनल पार्क, जब नेशनल पार्क बना राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान से पहले अभ्यारण रहता है, अभ्यारण से पहले अभयवन रहता है, तो अभयवन अभ्यारण 1977 में। अब बहुत सारी किताबों में विवाद है, विवाद छिड़ता है, लेकिन बहुत सारी जगहों से जितनी किताब आपने पढ़ी होंगी उससे भी ज्यादा किताबों से मैंने तालमेल मिलाकर ये सबसे बढ़िया सन निकाला है जो सर्वमान्य है। 1977 में इसे अभ्यारण बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क बना 1983 में, और 1992 इसे अंडरलाइन कीजिए, 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। मैं प्रोजेक्ट टाइगर भी पढ़ाने वाला हूं, आप इस सीरीज से लगातार जुड़ते रहिएगा, क्योंकि जिलेवार अध्ययन में जैसे ही जबलपुर संभाग समाप्त होगा मैं इंदौर संभाग शुरू करने से पहले एक लेक्चर विशेष अध्ययन का लूंगा, जो जानकारी आपको एक साथ एक लेक्चर में मिल जाएगी। अभ्यारण्य 1983 में नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया कब? 1992 में। पेंच नेशनल पार्क दो जिलों में इसका विस्तार है। हाँ साथ ही याद रखिएगा, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा पर है। क्यों? क्योंकि ये सिवनी जिले में है और सिवनी का नीचा जो कुरई वाला क्षेत्र है वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र से टच है। इधर देखेंगे हम वर्ष 2000 में, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2000 वर्ष 2000 में इसी पेंच नेशनल पार्क का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो, याद कर लो, किस नेशनल पार्क का नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो पेंच नेशनल पार्क का नाम क्या है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। और कब रखा गया? तो वर्ष है 2000। साथ ही साथ इसे पेंच मोगली अभ्यारण्य भी नाम दिया गया है, जो वनी क्षेत्र है उसे पेंच मोगली अभ्यारण्य भी कहते हैं, और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क का नाम है। पेंच नेशनल पार्क सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में आता है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा को बनाता है, और साथ ही याद रखिएगा 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमें याद करना होगा, कभी कभी पूछते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। पेंच मतलब दोनों, दोनों हम कहते हैं ना, दोनों लोग आगे लड़ने के लिए, पेंच पेंच लड़ने के लिए, पेंच मतलब दोनों लड़ने के लिए, दोनों मतलब 29 और 3 मतलब क्या हुआ, दोनों ने जब पेंच लड़ाया तो तीसरा व्यक्ति छुड़ाने आ गया, दोनों 3 मतलब 293 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा। नेशनल हाईवे 44 हम बात करते हैं, तो हमने जो भी जिला पढ़ा है उससे नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ा है, अब हम जितने भी नेशनल पार्क पढ़ेंगे उनसे गुजरने वाले नेशनल हाईवे की बात करेंगे। तो नेशनल हाईवे 44 NH 44 इस पेंच नेशनल पार्क से गुजरता है, पर याद रखना पूरे मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क ही एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, अर्थात पेंच नदी के नाम पर रखा गया है पेंच नेशनल पार्क। अगर सीधा सा है, कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है प्रदेश में जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है? तो पेंच नदी के नाम पर पेंच नेशनल पार्क। काले हिरण सर्वाधिक,
भाई साहब पेंच नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा काले हिरण पाए जाते हैं। काले हिरण सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे? पेंच नेशनल पार्क में, ठीक है ना। काला पहाड़, ये जो पेंच नेशनल पार्क है, इस पेंच नेशनल पार्क का एक बहुत अच्छा प्लेस है जिसे काला पहाड़ कहा जाता है। काला पहाड़ यूँ कह सकते हैं, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है और देखने लायक स्थान है, मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया चर्चित स्थल। अगर आप पेंच नेशनल पार्क घूमने जाएं तो वहाँ पर एक जाना माना स्थान मिलेगा जिसे कहते हैं काला पहाड़। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे, उसमें मंडला में भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग स्थान मिलेंगे। तोतला डोह बांध, कौन सा बांध? तोतला डोह। आज से पहले शायद ही आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में कोई इस नाम का बांध भी है, तोतला डोह बांध। और तोतला डोह बांध भी पेंच नदी पर है, और पेंच नदी पर है मतलब पेंच नेशनल पार्क में है, और नेशनल पार्क को नदी ना पूछे जिला पूछे तो जिला होगा आपका सिवनी। सिवनी जिले में पेंच नदी पर तोतला डोह बांध है और पेंच नदी पर है, और पेंच नदी के नाम पर ही नेशनल पार्क का नाम पेंच रखा गया है। मोगली लैंड उत्सव दोस्तों सन के साथ है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मोगली लैंड इसका नाम रखा गया है। पेंच नेशनल पार्क में मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो मोगली लैंड उत्सव की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। और एक किताब, एक फिल्म जो आपने सबने देखी होगी, द जंगल बुक, जिसमें आपने किरदार देखा होगा मोगली, जानवरों के बीच में रहता है मोगली, बघीरा आपने नाम सुना होगा। तो वही मोगली की हम बात करेंगे, तो मोगली नाम, मोगली से प्रेरित होकर द जंगल बुक, एक किताब है द जंगल बुक, इसी के नाम से फिल्म है। द जंगल बुक नामक किताब को लिखने वाले का नाम है एक ब्रिटिश राइटर रूडयार्ड किपलिंग। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। नाम क्या है? रूडयार्ड किपलिंग। ये रूडयार्ड किपलिंग ने बुक लिखी द जंगल बुक। और यहाँ से सुनिएगा, जब इन्होंने किताब लिखी तो वो जो फिल्म हम देखते हैं मोगली, एक छोटे से बच्चे का, एक मोगली है जो मानवों के बीच में ना रहकर जानवरों के बीच में रहता है, ऐसा एक किरदार रूडयार्ड किपलिंग ने पेंच नेशनल पार्क से जाना और पेंच नेशनल पार्क की कल्पना से निकाला। लेकिन उस फिल्म में जो सुंदर वन दिखाए गए हैं, जो बड़े बड़े नदी नाले दिखाए गए हैं, अनचाहे समय पर वर्षा जो होती है, अर्थात इस तरह के वर्षा वन नहीं है। फिर से सुनना, मोगली किरदार की प्रेरणा द जंगल बुक किताब में रूडयार्ड किपलिंग ने पेंच नेशनल पार्क से ली है, लेकिन फिल्मों में या किताब में किए गए वर्णित वर्षा वन का कोई लेना देना इस पेंच नेशनल पार्क से नहीं है, बस मोगली की प्रेरणा ली गई है। पर्यटन की बात करते हैं, आप देखिएगा मध्य प्रदेश में पर्यटन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनमें से भी एक दो प्रश्न आपको मिलेंगे जो पूछे गए। देखिए अनोदागढ़ का किला, अनोदागढ़ का किला, किले तो इतने हो जाएंगे, हजारों किले हो जाएंगे। अनोदागढ़ का किला, ये है रूडयार्ड किपलिंग की कार्यशाला। रूडयार्ड किपलिंग यहाँ रुकते थे, रूडयार्ड किपलिंग यहाँ से मुआयना करते थे, तो रूडयार्ड किपलिंग की कार्यशाला है अनोदागढ़ का किला, और ये कहाँ पर है? सिवनी में है। सोनागिरी का महल, कौन कौन से महल है? देखो सोनागिरी महल और दीवान महल और दल सागर झील। सोनागिरी महल आप नोट करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। सोनागिरी महल, दीवान महल और दल सागर झील, ये भी सिवनी में पर्यटन के केंद्र है। छपारा की घड़ी, छपारा की घड़ी, घड़ी मतलब होता है दोस्तों, आज के समय में खंडर बन चुके हैं, लेकिन घड़ी का मतलब क्या होता है? घड़ी का मतलब होता है एक निवास स्थान, निवास स्थान जो राजा रजवाड़ों की तरह होता है, होता था, और उसे चारों तरफ से सीमांकन उसका बाउंड्री की जाती थी, बड़ी बड़ी किले की तरह दीवार उठाई जाती थी घड़ी। तो छपारा की घड़ी एक छपारा स्थान है, जहाँ भीमगढ़ बांध है ना, वो छपारा, और वहाँ पर जो बना हुआ महल टाइप है वो गढ़ी है, तो छपारा की गढ़ी। ये छपारा की गढ़ी गोंड राजा राम सिंह द्वारा निर्मित की गई थी। ये देखो कौन रहते थे? गोंड राजा राम सिंह ने बनवाई थी छपारा की गढ़ी। और छपारा की गढ़ी कहाँ पर है? सिवनी में। सिवनी में भाई साहब गोंड जनजाति भी पाई जाती है। शहीद स्मारक टूरिया, ये कर याद करने में दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं तीसरी बार बात कर रहा हूँ, शहीद स्मारक टूरिया, टूरिया सत्याग्रह, ठीक है ना, ओगा लोहार ने जिसकी शुरुआत की थी। बाबरिया जलाशय, ये बेनगंगा नदी, अगर आपको पूरा याद रहता है कि बाबरिया जलाशय बेनगंगा, बाबरिया बेनगंगा, और बेनगंगा नदी सिवनी से निकलती है, तो उत्तर भी आपको मिल जाएगा कि बाबरिया जलाशय कहाँ पर है, तो बेनगंगा नदी पर है और सिवनी जिले में है। काव्या यानी सिंहपीठ और साथ ही गुड़ी की गुफा, ये गुड़ी की गुफा कैसी है? प्राकृतिक। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर आपके लिए काम में आएगा प्राकृतिक, क्यों लिखा मेरे दोस्त? क्योंकि गुड़ी की गुफा जो है किसी धार्मिक गुफा को नहीं कह सकते, धार्मिक गुफा नहीं, धार्मिक गुफा मतलब
प्राचीन समय में किसी वंश के द्वारा या किसी काल में उसे धर्म मंदिर या और अन्य किसी निर्माण के लिए निर्मित किया गया हो, ये जब पाई गई थी तो प्राकृतिक तौर पर पाई गई थी, इसे बनाया नहीं गया। तो गुफाएं भी दो तरह की होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक धार्मिक होती है। तो गुड़ी की गुफा कैसी है? प्राकृतिक है। इधर देखेंगे सीता बुल्दी किला। कौन सा किला? सीता बुल्दी किला। सीता बुल्दी किला बड़े रेयर नाम होते हैं, ये मिलते नहीं है। सीता बुल्दी किला ये किसी किताब में भी बहुत कम मिलेंगे। सीता बुल्दी किला ये भी कहाँ पर है? सिवनी में। और पायली जल परिसर, पायली जल परिसर ये भी कहाँ पर है? सिवनी में। पायली जल परिसर, सीता बुल्दी किला, गुड़ी की गुफा, काव्यानी सीपीठ, शहीद स्मारक टूरिया, बावरिया जलाशय, गोंड राजा द्वारा बनाए गए छपारा की गढ़ी, सोनागिरी महल, दीवान महल, दल सागर झील और अनुदागढ़ का किला, ये सब पर्यटन स्थल के केंद्र है। कहाँ पर? जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। रूरवर वन्य जीव संरक्षण केंद्र, देखो ना अभ्यारण ना कोई मैंने नेशनल पार्क ऐसा बोला, कम नाम सुनने में आएगा। रूरवर, रूरवर है, रुखर नहीं है, रूरवर है, रह है और वह है। रूरवर वन्य जीव संरक्षण केंद्र, जीवों के संरक्षण का केंद्र है सिवनी में, वो भी कौन से किस नाम से? रूरवर। सिद्ध घाट, ये सिद्ध घाट तो हालांकि ज्यादा आप ना याद भी रखो तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि सिद्ध घाट और भी जगह आने वाले हैं, देवास जिले में भी आने वाला है। गुरु रत्नेश्वर धाम, हाँ इसे अंडरलाइन करो, क्यों? देखो फिर से, गुरु रत्नेश्वर धाम, गुरु रत्नेश्वर धाम यहाँ की खासियत है, वर्ष 2003 में 17 साल पहले विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया गया, पत्थर का, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया, वो कौन सा है? गुरु रत्नेश्वर धाम स्फटिक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया, गुरु रत्नेश्वर धाम सिवनी। और यहीं पर है बंजारी माता मंदिर। देखो कंकाली माता की बात की थी हमने, कंकाली माता एक तो है सोहागपुर सड़ोल में, भी हमने बात की थी कंकाली देवी का मेला भी लगता है। बंजारी माता मंदिर, ये बंजारी माता मंदिर है कहाँ पर? सिवनी में। यहाँ पर देखेंगे आप दिगंबर जैन मंदिर। अब दिगंबर जैन मंदिर यूं तो कई जगह पर है, लेकिन इसकी खासियत है मेरे दोस्त, ये दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण कार्य, इसकी नींव कब रखाई थी? 1813 में, अर्थात ये मंदिर 200 वर्षों से भी पुराना मंदिर है और आज के समय में भी इस मंदिर का छोटे छोटे रूप में निर्माण जारी है। तो ये ऐसा मंदिर है जो कहीं 200 साल पहले बनना शुरू हुआ था, अभी भी इसका काम जारी है। और एक है अष्टकाली माता मंदिर। कौन सा? अष्टकाली माता मंदिर और बंजारी माता मंदिर, ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे? सिवनी जिले में है। तो मध्य प्रदेश में सिवनी जो है, मध्य प्रदेश का सिवनी जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, 8 जिलों में से एक ये भी जिला है, 8 इसमें तहसील आती है, महाराष्ट्र राज्य से सीमा बनाता है। मैं पूरा जितना भी वीडियो था पूरा आपको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेंच नेशनल पार्क है, पेंच दो जिलों में फैला है, छिंदवाड़ा और सिवनी में फैला है। पेंच नेशनल पार्क का नाम पेंच नदी के ऊपर रखा गया है, याद रहेगा आपको। काला पहाड़िया का प्रमुख स्थल है, तोतला डोहर बांध है, और यहाँ पर जो है भीमगढ़ बांध, जो संजय सरोवर बांध है, वो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का अर्थात कीचड़ मड बांध है। कहाँ पर है वो? है भीमगढ़ सिवनी में। पेनगंगा नदी यहाँ की जीवन रेखा है। इसके अलावा आप यहाँ पर गार नदी भी देख सकते हैं, शेर नदी भी होती है। फिर बात करते हैं, बहुत सारे महल हैं, किले हैं, मंदिर है। इधर देखोगे आप तो आपको नेशनल पार्क से प्रश्न मिल जाएंगे। द जंगल बुक रूडयार्ड किपलिंग ने लिखी है, ये इसी जगह को मोगली लैंड किया कहा जाता है। 2004 से मोगली लैंड उत्सव प्रारंभ किया गया। इंदिरा प्रिय दर्शनी, भाई साहब पेंच नेशनल पार्क का नाम ही है इंदिरा प्रिय दर्शनी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए अपने। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका मध्य प्रदेश जिलेवार अध्ययन में जबलपुर संभाग का चौथा जिला था ये सिवनी जिला, और सिवनी जिला यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी जानकारी आपने को यहाँ आपको यहाँ से सीखने को मिली होंगी। अगले लेक्चर में मैं आपको मिलता हूँ जबलपुर संभाग के ही किसी एक अन्य जिले को लेकर। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई शिकायत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट्स करिए। दोस्त मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।